गाइस क्या आप भी जो कि इस तरीके के वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो इस तरीके के जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कुछ टाइम के बाद एक आपको आंसर वहां पे शो करता है और इस तरीके का वीडियो जो कि सभी लोग जो कि देखना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कि कुछ आपको हम यहाँ पे डाटा शेयर करते हैं, जैसे कि ये एक चैनल है इस पर देख सकते हैं अच्छा खासा भी हुआ। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ चैनल है 13 दिन में जो कि देख सकते हैं 4.5 लाख व्यू है। तो इस तरीके के सभी वीडियो पे जो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा व्यू है। इसके अलावा ये एक चैनल है यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं मात्र यहाँ पे जो कि 234 वीडियो अपलोड किया गया और ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर पहुँचने वाला है और सभी वीडियो पे जो अच्छा खासा जो कि यहाँ पे व्यू गया हुआ, क्योंकि आपको ये सब देखने के बाद आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा। तो इसी से रिलेटिव है जो कि आज हम आपको वीडियो क्रिएट करना सिखाएंगे कि आप इस तरीके के वीडियो को कैसे जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे या आप अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो कि अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिसके मदद से जो कि आप एक बार में आप 50 से 500 तक के जो कि आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो 8 से 10 सेकेंड से लेकर के ऑलमोस्ट 50 से 60 सेकेंड का जो वीडियो होता है क्रिएट कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है कि आपका कैसा कंटेंट है, कैसा आपका स्क्रिप्ट है। अगर आप डेली के 1 से 2 घंटा अगर आप देते हैं तो आप आराम से जो कि 3 से 4 वीडियो जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी जो कि AI के मदद से। जी हाँ, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर ले और जो भी नए लोग आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी तरीके के नॉलेज पर वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। तो इस वीडियो को हम लोग 3 से 4 पार्ट में जो कि डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट में जो कि हम लोग स्क्रिप्ट को लिखेंगे, इसके लिए जो कि हम लोग ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आ जाएंगे और अपना ChatGPT जो कि ओपन कर लेंगे। जो प्रॉम्प्ट्स है, जो भी आप स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हैं वो चीज़ जो कि हम यहाँ पे लिख करके ले आए हैं और यहाँ पे टेबल फॉर्मेट कर दिए और यहाँ से सिंपल सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के जो कि ये स्क्रिप्ट लिख करके यहाँ पे ये दे दिया था, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट हमें नहीं पसंद है, रीजनरेट रिस्पॉन्स पे आपको सिंपल इस तरीके से क्लिक करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर से जो कि यहाँ पे ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट को जनरेट करके दे दिया। तो ये है जो कि हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंपल हम यहाँ से इस तरीका से कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे गूगल शीट है जो कि ओपन करेंगे, उसके लिए हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे, गूगल शीट है जो कि ओपन कर लेंगे। यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीका से कर लेते हैं, कंट्रोल भी करेंगे, सारा मैटर यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीका से जो कि आपको सेट कर लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो कुछ फॉन्ट यहाँ पे बड़ा है उसे जो कि आप डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेंट्रलाइज कर लिए हैं। इसके अलावा जो कि नेक्स्ट, अब हम लोग कैनवा का जो कि ओपन करेंगे, उसके लिए जो कि न्यू टैब लेंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कैनवा और ये यहाँ पर आ गया है। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद कस्टम साइज पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद जो लॉन्ग वीडियो का जो फॉर्मेट होता है वो जो कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू टैब ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमेंट में आएंगे। एलिमेंट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बैकग्राउंड सर्च करेंगे, यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आ जाएंगे और एक बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं कि व्हाइट का एक बैकग्राउंड है जो कि हम इस तरीके के ले लिए हैं। अब इसे हम फुल स्क्रीन यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, टेक्स्ट को हम लोग ऐड कर लेंगे और इसे जो कि हम लोग डुप्लीकेट करेंगे और इसे यहाँ पे लेकर के चलाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीका का हो गया। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे गूगल शीट में वापस और यहाँ पे आने के बाद जो फर्स्ट में जो है इसे यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीका का हो गया। अब इसे थोड़ा सा इस तरीका से हम बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद जो कि हम लोग फिर से गूगल शीट में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो इसका आंसर है वो आंसर है जो कि यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आंसर को पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीका का हो गया। अब इसका कलर है यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। अब ये सब में जो कि अब हम लोग को एनिमेशन ऐड करना होगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, एनिमेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रीसेट मिल जाएगा एनिमेट का, तो ये वाला जो कि यहाँ से हम लोग डबल क्लिक करेंगे और ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर जो कि एनिमेट जो है यहाँ पे सेंटर है, एंड में है और यहाँ पे बोथ है। बोथ का मतलब स्टार्टिंग और एंड दोनों, यहाँ पे हम लोग बोथ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरीका के जो कि यहाँ पे जो आंसर है आंसर को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो कि ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं आंसर में, ठीक है, बोथ पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में जो कि एनिमेट हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पर जो कि एक टाइमर ऐड करना होगा, इस तरीका से शो करेंगे जिससे कि ये पहले एनिमेट होगा यहाँ से,
जहाँ पे आकर के पूरा पिक्चर रुकता है। यहाँ के बाद जो कि एक टाइमर चलेगा ऑलमोस्ट 4 सेकंड या 5 सेकंड का, और उसके बाद जो कि आपको आंसर आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो कि करने के लिए हम लोग को टाइमर ऐड करना, उसके लिए हम लोग एलिमेंट में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग टाइप करेंगे टाइमर, और यहाँ पे वीडियो वाले में आ जाएंगे, और यहाँ से 5 सेकंड का जो है वो हम लोग को यहाँ पे एक टाइमर को ले आना होगा, ठीक है। इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेट कर लेंगे। डोंट माइंड, ये यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरीका से अभी शो कर रहा, मगर ये प्रीव्यू में रहेगा नहीं। सबसे पहले जो कि टाइमिंग सबका सेट करेंगे, इमोजी जब आ करके पूरा यहाँ पे रुकेगा, ये जो आया यहाँ के बाद हम लोग का जो टाइमिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे टाइमर का, और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे शो टाइमिंग है इस पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट अपने पोजीशन पे है, यहाँ से जो कि इसका टाइमिंग स्टार्ट होगा इस तरीका से, यहाँ आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आंसर मेरा स्टार्ट होगा, अब आंसर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो टाइमिंग है इस पे क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ, और यहाँ से ले करके दिखाते हैं, तो गाइस ये कुछ इस तरीका के जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पे जो कि कुछ फीका फीका सा लग रहा है। वीडियो को कुछ इंगेजिंग करने के लिए यहाँ पे साउंड इफेक्ट वगैरह हम लोग को डालना होगा। टाइमिंग का एक क्लॉक यहाँ पे डालेंगे, एलिमेंट में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग टाइप करेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे और ऑडियो वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको प्ले करके इसको चेक कर लेना, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब इसी को जो कि यहाँ पे एक डुप्लीकेट करेंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे। टाइमर का जो कि काम डाउन में जो कि लगाना पड़ेगा, उसके लिए फिर से हम लोग यहीं पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे टाइमर टिकटॉक, ऑडियो वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ से प्ले करके चेक करेंगे, ये बेस्ट है। इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसे यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, ठीक है जी। अब इसे यहाँ से प्ले करके, तो ये ठीक है। जो आंसर आ रहा है आंसर के लिए भी एक साउंड डालना होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लोगो आंसर ऑडियो। यहाँ पर आने के बाद इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये यहाँ पे ऑडियो लग गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कि ये जो टाइमर है इसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इसका यहाँ से जो कि बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ओके, और ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसमें जो ऑडियो हम सिलेक्ट किए हैं तो क्या ये ऑडियो सभी में जाएगा, तो नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग एक अलग से एक तरीका निकाल रहे हैं, उसके लिए अब क्या करेंगे, ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो कि एक MP4 फाइल हम लोग को एक डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं गाइस, तो ये MP4 डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से Ctrl+Z करेंगे, वापस आ जाएंगे, जो इस्तेमाल किए हैं ऑडियो ये सब ऑडियो को यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेंगे। ऑडियो डिलीट हो चुका है, अब हम लोग को फिर से जो कि ऑडियो को लाना है, जो हम लोग फाइल इस तरीका के डाउनलोड किए हैं उसे फिर से यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड कर करके और इसे यहाँ पे ले आएंगे। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए हैं, ये जो यहाँ पे सेट किए हैं इसमें साउंड है। अब ये साउंड जितना भी हम लोग साउंड क्रिएट करेंगे ये सभी में जो कि जाएगा, ठीक है। अब इसे प्ले करते हैं, वाह, ये अपना फाइनल वीडियो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो कि हम लोग को बल्क में जो कि वीडियो क्रिएट करना होगा, सबसे पहले जो कि फिर से जो कि हम लोग गूगल शीट में आ जाएंगे, यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद फिर से जो कि वापस हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद हम लोग साइड में इधर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बल्क क्रिएट है, ठीक है। अगर आप में इस तरीका का नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं बल्क क्रिएट है, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा। इंटर डाटा मैनुअल, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे डाटा ऑलरेडी पहले से शो कर रहा होगा उसे आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। और सिंपल फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और Ctrl+V प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 48 कैरेक्टर अपने पास आ चुका है, यानी कि 48 शॉर्ट है जो कि क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग डन पे क्लिक कर देंगे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे लेकर के चलाएगा कुछ इस तरीका का इंटरफेस। सिंपल अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इमोजी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे
कनेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे इमोजी कम्बो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीका के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आंसर वाले पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट डाटा, और यहाँ पे आंसर इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों में यहाँ पे टिक लग चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सिंपल जनरेट 48 पेज इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे जो कि न्यू टैब है जो कि आपका ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका 48 शॉर्ट क्रिएट हो चुका है जो कि ऑलमोस्ट 8 सेकेंड का है, 6.5 मिनट का जो कि टोटल ये वीडियो क्रिएट हुआ। सिंपल प्ले पे क्लिक करेंगे, अब इसे डाउनलोड करना है तो सिंपल आपको शेयर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि सिंपल आपको डाउनलोड में लगा देना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो शॉर्ट यहाँ पे पार्टे पार्ट कर करके आप शॉर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो कि 48 को यहाँ से अनटिक कर देना है, एक अगर आपको चाहिए तो एक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से डन पे क्लिक कर देना, तो ये एक है जो कि यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीका से जो कि और भी आप 1, 2, 3, 4 या एक बार में 1 से 5, 5 से 10 इस तरीका से भी आप जैसा आपको सुविधा पड़े उस तरीका से जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, सब्सक्राइबर और अपना फॉलोअर गेन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा जो कि अभी रात के 1 बज रहा है। दोस्तों आई होप ये वीडियो देखने के बाद जो कि आप अपने से जो कि क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको डाउट है, अगर आपको कहीं पर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो का जो कि आप रिप्ले कर करके देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर ले, जो भी नए लोग आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो आने वाले समय में भी है जो कि आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा।